रैंक अ वंडरफुल परफॉर्मेंस क्या कहें. थैंक यू वेरी मच. काफ़ी अच्छा मिक्सर बनाया था आपने, आई मीन पुराने से लेकर नए तक एंड ऑल, तो किसका आइडिया था ये? सारे मेरे यूजली मेरे ही आइडियाज़ होते हैं अपने एक्ट्स को. मुझे, मैं बोर हो जाती हूँ खुद, मुझे स्टेज बहुत पसंद है. आई लव परफॉर्मिंग ऑन स्टेज और मैं हमेशा हर शो के लिए कुछ नया करती हूँ, तो इसीलिए इसमें भी कुछ नया करने की कोशिश की थी. 2011 की बात करें तो कैसा रहा ये साल एज एन एक्टर? एज एन एक्टर बहुत ही सैटिस्फाइंग रहा मेरे लिए. साफ को माफ रिलीज हुई थी विच वॉज वेरी क्रिटिकली अक्लेम्ड फॉर मी. लोगों ने मेरा काम बहुत पसंद किया. उसके बाद अब डॉन रिलीज़ होने वाली है, डॉन 2. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एज एन एक्टर. मैंने शूटिंग ऑलमोस्ट बर्फी की ख़त्म कर ली है. कुणाल कोहली की फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है. तो एज एन एक्टर इज़ बिन अ वेरी बिजी ईयर फॉर मी. मैं अपने एल्बम पे भी काम कर रही हूँ. सो प्रोफेशनली इज़ बिन लाइक क्रेजी बिजी. और ऐसा कहा जाए कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए 2011 काफ़ी अच्छा रहा. बहुत सारे मतलब फिल्में रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट हुई. अच्छा है ना, अगले साल हमारी फिल्मों के बजट्स और बड़े होंगे. बट इट वॉज अ रियली गुड ईयर फॉर द फिल्म इंडस्ट्री एंड आई होप 2012 भी ऐसे हो, क्योंकि मेरी 4 फिल्में रिलीज होंगी. अगर प्रियंका एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे बजट की बात की, बजट बड़े हो जाएंगे हमारे, तो जब क्या एक एक्टर या एक्ट्रेस का जो बजट बड़ा होता है, तो नहीं, हमारा नहीं, फिल्म का मैं बोल रही हूं. ओके, जब फिल्म का बजट बड़ा होता है और आई मीन एक्ट्रेस के हाथ में थोड़ा सा पेमेंट अच्छी जाती है, तो क्या जो नीचे काम करते स्पॉट बॉय होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, क्या उनको भी पेमेंट बढ़ती है, क्या होता है? ऐसा थोड़ी ना होता है कि पेमेंट्स हमारी भी बढ़ती है, मैं ऐसे बोल रही हूँ. लेकिन ऑफकोर्स सबकी पेमेंट्स बढ़ती हैं. मैं तो बजट्स की बोल रही थी कि फिल्मों के बजट जब बढ़ते हैं तो बड़ी फिल्में बनती हैं, अच्छी फिल्में बनती हैं, स्पेक्टेक्युलर फिल्म्स बनती हैं, एंड दैट्स ग्रेट फॉर एनी इंडस्ट्री, राइट? तो उस बजट की बात करी थी मैं वैसे. लेकिन ऑफकोर्स जब आई मीन कितने सारे प्रोड्यूसर्स हैं हु यू नो इंक्रीज प्राइसेस फॉर ऑल द टेक्नीशियंस हु वर्क ऑन द फिल्म. और आपकी एल्बम आ रही है तो नाउ वाज एक्साइटेड एंड अभी तो टाइम है, तो अभी मैंने वो नर्वसपन छोड़ा हुआ. अभी मैं अपनी फिल्मों पे फोकस करूँगी कि मेरी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं. जब एल्बम आएगा तब वन स्ट्रेस एट अ टाइम. 31st को क्या? 31st को मैं टाउन में नहीं हूँ, आई एम विद माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स आउट ऑफ टाउन.